मी रवीकडे जातो. रवी 5 वर्षाचा जो कालावधी आहे, म्हणजे देवेंद्र फडणवीस असे मुख्यमंत्री आहेत की ज्यांनी 2008 में हमला हुआ था मुंबई में, पाकिस्तान के आतंकवादी आए थे. क्या हुआ था बताने की जरूरत नहीं, बहुत पीड़ादायक है. क्या प्रदेश सरकार और क्या केंद्र सरकार हताश दिखाई पड़ी, अटरली हेल्पलेस, डेस्परेट. उस समय भारत के गृह मंत्री हुआ करते थे, वो मुंबई आए थे. उन्होंने क्या कहा था, सॉरी मुंबई, याद है ना. आजकल वो जेल में है, एक अलग बात है. आज कोई मुंबई में हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता. मुंबई क्या, देश के किसी शहर पर हिम्मत हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हमला करोगे तो तुम्हें भारी नुकसान सहना पड़ेगा. उरी होगा और बालाकोट होगा. देयर इज अ वेरी क्लियर एंड फर्म मैसेज टू द टेररिस्ट एंड देयर पेट्रंस दैट इफ यू परपेट्रेट एनी काइंड ऑफ दीज एक्टिविटीज यू विल हैव टू पे ए हेवी कॉस्ट. और आप देख रहे हैं, जो हम बोलते हैं वो करते हैं, और दुनिया इसको अप्रिशिएट भी करती है. बिचौलियों के रास्ते दिल्ली के दरबार में दरवाजे बंद हैं, और मुझे खुशी है कि देवेंद्र फडणवीस ने भी वो दरवाजे बंद कर दिए हैं. द रोड्स एंड द गेट्स फॉर द मिडल मैन इज क्लोज्ड इन दिल्ली एंड ऑल्सो इन मुंबई. और शायद बहुत दिनों के बाद, बताइए, देवेंद्र फडणवीस ने 5 साल पूरे किए हैं. उसका कारण क्या है? कारण यह है कि भाजपा की सरकार अपने प्रदेश के नेताओं को सम्मान करती है. खट्टर जी भी 5 साल रहे, शिवराज जी भी रहे, आज देवेंद्र फडणवीस भी हैं. The BJP has a culture of trusting its leaders in the state who are delivering. मित्रों, जहां तक विकास की बात है, एक धब्बा नहीं है देवेंद्र जी पर. कोई रायट नहीं हुआ, कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं हुई. और महाराष्ट्र ऐसे बड़े स्टेट में जहां इतनी विविधता है, वहां इस तरह का शासन देना यह बहुत बड़े गौरव की बात है. मेरे पास पूरे आंकड़े हैं, उन्होंने क्या क्या किया जल के लिए, इरिगेशन के लिए, कौन सी योजना से कितने गांव को पानी मिला, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ. एज एन आईटी मिनिस्टर मैं जानता हूं कि महाराष्ट्र आईटी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है. उसकी चर्चा मैं भी नहीं करूंगा, वो चर्चा चुनाव में होती है. लेकिन जहां ये हमारा सवाल है, हमारे खिलाफ तो ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा है. राहुल गांधी कहां है? उनको हम नहीं खोज रहे हैं, कांग्रेस के नेता ही खोज रहे हैं. मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सबों ने टीवी पर उनके विदेश जाने की बात कही. ये राहुल गांधी हर गंभीर परिस्थिति में विदेश क्यों चले जाते हैं, ये समझ में नहीं आता है. ये उनकी कहानी है, शायद जवाबदारी से भागना भी चाहते हैं. मुझे अभी कार्यालय में बताया गया कि कल परसों में महाराष्ट्र में आने वाले हैं. महाराष्ट्र के कुछ लोगों को आर्टिकल 370 से परेशानी क्यों हो रही है भाई? महाराष्ट्र इस देश का अंग है, प्रभावी, प्रामाणिक और बहुत ही आदरणीय राज्य है भारत का महाराष्ट्र. और देश को मजबूत बनाने में और देश की सुरक्षा को सुदृढ़ करने में महाराष्ट्र की भी भूमिका है. तो आर्टिकल 370 पर यह सवाल क्यों नहीं पूछना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया था? इट इज अ वेरी रेलेवेंट, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इश्यू
और इसका जवाब शरद पवार को भी देना पड़ेगा। बड़ी विनम्रता से कहूंगा, वरिष्ठ नेता है, कि इस ये विषय उठता है तो इसमें परेशानी क्या है भाई? आज मैं आर्टिकल 370 के बारे में दो तीन बातें कहना चाहता हूं और मैं चाहूंगा, मैं इस पर एक बहस प्रवोक करना चाहता हूं। आर्टिकल 370 से क्या फायदा हुआ आज तक कांग्रेस पार्टी नहीं बोलती है। मिस्टर राहुल गांधी, सिंस यू आर गोइंग टू टूर महाराष्ट्र, आई एम टोल्ड प्लीज टेल द पीपल ऑफ महाराष्ट्र, सिंस योर पार्टी अपोज्ड द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370, प्लीज एक्सप्लेन व्हाट वाज द बेनिफिट ऑफ आर्टिकल 370। मैं मुंबई के पत्रकार मित्रों से, महाराष्ट्र की जनता के सामने यह बहस रखना चाहता हूं कि आर्टिकल 370 का मतलब था कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं लगता था जम्मू कश्मीर में। आर्टिकल 370 का मतलब था कि अगर वैली की एक मुस्लिम बेटी दिल्ली या चंडीगढ़ के मुस्लिम बेटे से शादी करती तो उसको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल होना पड़ता। अगर जम्मू की एक हिंदू बेटी अगर दिल्ली के एक हिंदू बेटे से शादी करती तो उसको भी अपनी संपत्ति से बेदखल होना पड़ता। आर्टिकल 370 का मतलब है राइट टू एजुकेशन नहीं, राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं। आर्टिकल 370 का मतलब है कि जो मैनुअल स्केवेंजिंग प्रोहिबिशन एक्ट था 1993 का, वो भी नहीं लगा। आर्टिकल 370 का मतलब है कश्मीरियों को वहां से जबरन भगाया गया, बलात्कार किया गया बेटियों के साथ, और 42,000 लोग मारे गए, 42,000। विकास की तो चर्चा मत करिए। तो आर्टिकल 370 अलगाववाद और आतंकवाद को प्रोत्साहित करने वाला बन गया। आर्टिकल 370 बिकेम द पेट्रन ऑफ सेपरेटिज्म, सिसेशनिज्म एंड इन मेनी वे टेररिज्म। मुंबई में उनका देहावसान हुआ, देश के बहुत बड़े नेता थे, उनका हम बहुत सम्मान करते हैं। आज सरदार पटेल को प्रणाम करने की इच्छा है मुंबई के पत्रकारों के सामने। उन्होंने आर्टिकल 370 पर आगाह किया था कि ये ठीक नहीं हो रहा है। और राहुल गांधी जी एक जवाब दे दें आप कि 560 प्लस रियासतों में जिसको जिसको सरदार पटेल ने हैंडल किया वहां पर कोई समस्या नहीं है, और आपके ग्रेट ग्रैंड फादर ने एक को हैंडल किया जम्मू कश्मीर, आज तक समस्या है। सरदार पटेल की सच्चाई सामने आनी चाहिए। मित्रों, ये महाराष्ट्र में तीसरा मुद्दा जो मैं उठाना चाहूंगा, जनता के सामने हम जा रहे हैं, हमारा गुड गवर्नेंस, डिलीवरी, देवेंद्र जी की छवि और उसके पहले क्या हुआ, ये हमारे सामने सब डिटेल्स है जो कंपैरेटिव है, आप लोगों के सामने सब आया होगा। मुझे आपको बताने की जो कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना इरिगेशन हुआ, कितने चेक डैम बने मुंबई में, मेट्रो से लेके हार्बर लिंक से लेके क्या क्या बन रहा है, ये सब आप जानते हैं, तो आपको मैं इस पर बताना नहीं चाहूँगा। बट आवर रिकॉर्ड ऑफ गुड गवर्नेंस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। हमारे सुशासन के उपलब्धियां स्वयं बोलती हैं। उधर तो स्कैम है, हमको लगा था कि शायद अब हम लोग 5 साल से सत्ता में हैं तो अब यूपीए और कांग्रेस के स्कैम कुछ कम निकलेंगे, लेकिन अभी भी वो निकलते रहते हैं और लगता नहीं है वो थमने वाले हैं, और हम भी उनको थमने नहीं देंगे। और गड़बड़ियां होगी तो कार्रवाई होगी, ये बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं। मित्रों, एक अंतिम बात मुझे आपसे कहनी है। श्रद्धामना वित्त मंत्री जी आई थी 2 दिन पहले, उन्होंने आपको विस्तार से बताया है। बट एज ए सीनियर मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई विल टेल ओनली दिस, द फंडामेंटल ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज स्ट्रॉन्ग। ये बात मैं
अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, और जब मैं फंडामेंटल ऑफ इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग मैं कहता हूं तो क्यों कहता हूं, इन्फ्लेशन इज इन चेक, वन द लोएस्ट इन द कंट्री इन रिकॉर्ड डिकेड्स, फिस्कल डेफिसिट 3.4%, FDI इज वन ऑफ द हाईएस्ट, 19-20 के फर्स्ट क्वार्टर में 16.30 बिलियन FDI आई है, विच इज 28% हायर टू द प्रीवियस ईयर, और उसमें सबसे अधिक हमारे टेलीकम्युनिकेशन IT सर्विसेज में आई है। जहां तक GDP ग्रोथ का सवाल है, मैं सिर्फ आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। 14-15 7.5% 15-16 8% 16-17 7.1% 17-18 6.5% 18-19 6.8% कंसिस्टेंट वी हैव मेंटेन दैट। जहां तक टैक्स कलेक्शन का सवाल है, 13-14 में इनकम टैक्स प्रेयर्स वेयर 3.82 crores 17-18 में दे आर 6.86 crores, जस्ट डबल द टैक्स पेयर्स नंबर इज रिजन। इनकम टैक्स कलेक्शन वॉज 6.38 lakh crore इन 13-14, नाउ इन 17-18 इट इज 10.2 lakh crore। आई ओनली गिवन यू सम रफ इंडिकेशंस ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फिर भी हमारी हिम्मत है, और अभी जो ग्लोबल कुछ डाउन है उसमें हम भारत को और आगे बढ़ाएंगे, और इंडियन इकोनॉमी इज स्टिल थर्ड बिगेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ साइज PPP। तो दिस इज द इनिशियल कमेंट्स फ्रॉम माइन, आई एम ओपन टू एनी क्वेश्चंस नाउ, थैंक यू। मैं दोनों प्रश्नों का उत्तर दे देता हूं। हर प्रदेश के चुनाव में प्रादेशिक मुद्दे भी होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी होते हैं, और मुझे मालूम है कि महाराष्ट्र की जागरूक जनता राष्ट्रीय मुद्दों को ही उतना ही गंभीरता से समझती है। इसलिए आर्टिकल 370 का देश के ऊपर क्या इंपैक्ट है और किस पार्टी ने क्या स्टैंड लिया राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से, यह बहुत जरूरी है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। जो आर्टिकल 371 का है, उस पर संसद में कानून मंत्री के रूप में मैंने कहा है, गृह मंत्री ने कहा है, 371 नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि 371 इज ए परमानेंट फीचर, 370 इज ए टेम्पररी फीचर। 371 किसी एरिया विशेष के लिए है, ट्राइबल लैंग्वेज के लिए, या आंध्र प्रदेश बना तो उनके वाटर बॉडी के लिए, तो 371 A to E ये सब संविधान है। देखिए, मैं आपसे एक बात बोलूंगा, मैं इस नंबर पर डिफर करता हूं, लेकिन किसान कहीं भी आत्महत्या करें दुखद है, वो कई प्रदेशों में होते हैं, देश भर में होता है, उसके कई कारण होते हैं, आर्थिक कारण, कई दूसरे कारण होते हैं, लेकिन जो भी कारण हो उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। सवाल है कि सरकार किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, और इसीलिए चाहे वो इरिगेशन का मामला हो, कौन सा शिविर जलयुक्त सेवा जो कार्यक्रम चला है उसमें इतने लोग को हुआ है, मराठवाड़ा जहां पानी कभी नहीं होता था आज वहां पर कार्यक्रम किया गया है, जो इरिगेशन योजनाएं डेड पड़ी थी उसको रिवाइव करने की कोशिश की गई है, तो इस और कितने 55 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया है। तो जिसे कहते हैं मलहम लगाना, ये काम भी सरकार ने किया है और बहुत ही प्रामाणिक तरीके से किया है। मैं उस पर खूब जवाब दूंगा, अभी ना चुनाव की बात होने दीजिए। हाँ, पार्टियों के मैनिफेस्टो के बारे में हमारे बड़े गुणी प्रवक्ता हैं, वो जवाब देंगे इसका। हाँ,
नहीं, जवाब बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी यहाँ राज कर चुकी है, कांग्रेस पार्टी से लड़ाई है, तो हमें ये सवाल क्यों नहीं उठाना चाहिए कि कहाँ है राहुल गांधी? मतलब कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को लेकर गंभीर नहीं है, वो आएंगे तो सवाल पूछना चाहिए। बिल्कुल ये रेलेवेंट सवाल है जी। एक, एक, एक। मैं देश का कानून मंत्री हूं और इलाहाबाद हाई कोर्ट में रामलला का वकील भी था, पता है ना आपको। तो जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो देश के कानून मंत्री को कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ठीक है? ठीक है, मैं आपको एम्प्लॉयमेंट की बात कही है तो मैं जरूर आपके इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। ये एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है ना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड उसी का कटता है जो एम्प्लॉयमेंट में रहता है। सितंबर 2017 से जून 2019 के बीच 2.54 करोड़ पीपल रजिस्टर्ड हुए हैं, मतलब ये एम्प्लॉयड है। हमने 19 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना में 7.5 लाख करोड़ लोन दिया है। इसमें 19 करोड़ को आधा कर दीजिए तो आधा लोगों ने भी किसी एक को नौकरी दिया, स्वयं को स्वरोजगार किया, तो कितने करोड़ को नौकरी मिली। मैं देश का इलेक्ट्रॉनिक मंत्री भी हूं, जब मेरी सरकार आई थी तो देश में सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, सिर्फ 2। अब देश में 268 मोबाइल फैक्ट्री है और भारत दुनिया की सेकेंड सबसे बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन गया है। 6 लाख लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष काम करते हैं। हमारा एक कॉमन सर्विस सेंटर है जो डिजिटल खिड़की है, गांव में देते हैं हम डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। वो 80,000 था, मैं आईटी मिनिस्टर ग्रुप में उसको ले गया हूँ 3.5 लाख, आपके महाराष्ट्र 50,000 है। 12 लाख बच्चे बच्चियां काम करते हैं। जो हमारा आईटी सेक्टर है उसमें 40 लाख लोग डायरेक्टली काम करते हैं और 1,25,00,000 इनडायरेक्टली काम करते हैं। और पिछले 6 साल में देश में आईटी में लगभग 5.5 लाख नई नियुक्तियां हुई हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, नास्कॉम कह रहा है। अब मुझे बताइए, सड़कें बन रही हैं ना, मेट्रो बन रहा है ना, बिजली आ रही है ना, तो सब में लोगों को रोजगार का अवसर तो मिल रहा है ना। हाँ, स्टार्टअप 15 में शुरू किया था, टुडे इंडिया हैज बिकम द सेकेंड बिगेस्ट स्टार्टअप मूवमेंट इन द वर्ल्ड। 21,000 स्टार्टअप आजकल आईआईटी के बच्चे स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, नौकरी नहीं, वी वांट टू बिकम जॉब गिवर्स नॉट जॉब सीकर्स। तो ये मैंने कुछ मोटे आंकड़े आपको बताए। तो ये सब इसीलिए होता है जब देश की इकोनॉमी का फंडामेंटल स्ट्रांग होता है। मैं उस रिपोर्ट को गलत कहता हूं और पूरी जिम्मेवारी के साथ एनएसएसओ ने जो मैंने इतने आंकड़े बताए उसको उसमें रखा है। मैंने आपको 10 नंबर बताए, सब प्रामाणिक नंबर है, एक नहीं है उनके रिपोर्ट में। क्यों नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, आईटी क्षेत्र में, मुद्रा लोन में, कॉमन सर्विस सेंटर्स में, हमने कभी नहीं कहा था सबको सरकारी नौकरी देंगे और वो भी नहीं कहते हैं। इसलिए कुछ लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से उसको मिसलीड करने की कोशिश की थी, एंड आई एम सेइंग सो विद फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं दिल्ली में भी बोल चुका हूं, अच्छा है भाई, मैं देश का वित्त मंत्री नहीं हूं लेकिन काफी वित्तीय सवाल पूछ रहे हो, चलो कोई बात नहीं, पूछते चलो, गो अहेड। देखिए ये मैं ले आया हूं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स की रिपोर्ट, कल सुबह निकली है, मेरे पास है। इस रिपोर्ट में इट इज ए कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रिपोर्ट, मार्क द वर्ड। इसमें क्या कहा है, इंडिया कई चीजों में नीचे गया है, कई में ऊपर गया है।
और जो माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसमें इंडिया 49 से 43 स्थान पर गया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, बाकी सब में, और कई नए देश भी वहां उड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो मैं कहना चाहता हूं, मैं तीन लाइन पढ़ रहा हूं, इंडिया ऑल्सो रैंक्स हाई व्हेन इट कम्स टू इनोवेशन विच इज वेल अहेड ऑफ मोस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज, स्टार्टअप इनोवेशन एंड ऑन पार विथ सेवरल एडवांस इकोनॉमीज। तो इन टर्म्स ऑफ मार्केट साइज इंडिया इज रैंक थर्ड, वाइल इट इज ऑल्सो गॉट द सेम रैंक फॉर रिन्यूएबल एनर्जी रेगुलेशन। तो कई बार मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कहूंगा रिपोर्ट पूरी पढ़नी चाहिए, कई बार बुलेट पॉइंट आता है ना उसे समस्या पैदा हो जाती है। और वैसे मैं मुंबई में हूं तो एक बड़ी रोचक कहानी मुझे मालूम हुई, वो भी मुझे कल शाम में मालूम हुआ, स्लो डाउन, क्योंकि मैं अटल जी की सरकार में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर था इसलिए मूवीज थोड़ा लगाव मेरा है। तो ह्यूज बिजनेस बाय मूवीज, 2 अक्टूबर को 3 मूवी रिलीज हुई और मिस्टर कोमल नाहटा हैं, बहुत बड़े फिल्म ट्रेड के हैं आप जानती होंगी, उन्होंने कहा है कि द नेशनल हॉलीडे ऑफ 2 अक्टूबर सॉ अर्निंग ऑफ ओवर 120 करोड़ रिकॉर्ड बाय 3 मूवीज, वॉर और जोकर एंड सायरा। अब जब देश में इकोनॉमी थोड़ी साउंड है तभी तो एक दिन में 120 करोड़ रुपया रिटर्न आता है। एनी अदर क्वेश्चन? शुड वी नॉट मूव बियॉन्ड इकोनॉमी? ऑल राइट, आई रिप्लाई टू। I think you need to read that report. I have read that report. They have made a proper reflection upon the slowdown in the entire globe. And obviously, India is a huge country, but the measurement of IMF about India is still incomplete. Let us wait for the final report. As I told you, I read you the size of Indian economy, how the others measuring body are saying. And don't forget, India was at 11th position when Mr. Manmohan Singh government was in power. आज वो फिफ्थ है ना, बताइए, फ्रांस को भी पीछे छोड़ दिया। और आप और देखिए, मैंने FDI की बात कही, बाकी सारी बातें कही, और अभी भी दुनिया के इन्वेस्टमेंट में इंडिया इज द बेस्ट डेस्टिनेशन। देखिए, अलग अलग राज्यों की मांग आती रहती है, इस पर चर्चा करनी पड़ेगी, ये सबों का अधिकार है। विदर्भ की बात बहुत दिन से चलती है लेकिन उसके बारे में अभी चुनाव का समय है, चुनाव होने के बाद अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा उस पर, और वो विषय आज का है भी नहीं, वो वर्षों का विषय है। जहां तक बॉर्डर डिस्प्यूट की बात है, उसका एक मैकेनिज्म है, सुप्रीम कोर्ट में भी बाकी है, उस लीगल प्रोसेस उसका रास्ता निकलने दीजिए। मैंने आपको पहले ही कहा उनका मैनिफेस्टो मैंने देखा नहीं है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ मुंबई भाजपा के और महाराष्ट्र भाजपा के बड़े योग्य प्रवक्ता लोग हैं, कुछ सवाल आप उनके लिए भी रखिए। हाँ, हाँ, एक मिनट और, कुछ एनीथिंग ऑन इलेक्शंस बोलिए, ये आपका चौथा सवाल है, धन्यवाद, बढ़िए। देखिए, अब मैंने उसको देखा नहीं है प्रदेश में क्या स्थिति है, लेकिन जब दिल से अंडरस्टैंडिंग है, पार्टी की अंडरस्टैंडिंग है, इतने वर्षों की अंडरस्टैंडिंग है, तो उसको आप एक पोस्टर में देखने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, यस, देखिए, आर्टिकल 370 और जम्मू एंड कश्मीर यह भारत का अंदरूनी मामला है, इस पर जो भी फैसला होगा भारत स्वयं करेगा।
एक मिनट, सवाल आपने पूछ लिया, उसका जवाब सुनिए आप। लेकिन हां, पूरी दुनिया ने इस पर कोई विपरीत टिप्पणी नहीं की है। क्या अमेरिका, क्या इंग्लैंड, क्या रशिया, क्या यूरोप और क्या चाइना, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा। और आज जो, कल और आज जो मोदी जी के साथ चीन के राष्ट्रपति का बहुत ही उच्च स्तरीय और ऐतिहासिक एक प्रकार से जो चर्चा रही, तो मैं थोड़ा सा इसको एक दूसरे संदर्भ में रखना चाहता हूं। एज आई सेड इन द वेरी बिगिनिंग टुडे, मोदी जी हैज इमर्ज एज अ ग्लोबल लीडर, ग्लोबल आइकॉन। नरेंद्र मोदी को दुनिया के 6 राष्ट्रों ने अपने यहां के टॉप सिविलियन अवार्ड दिए हैं, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, दुबई, आपके फिलिस्तीन और मस्कट और बहराइन शायद। अब इसमें कितने इस्लामिक कंट्रीज हैं आप समझ सकते हैं। आपने हाउडी मोदी का कार्यक्रम देखा था ह्यूस्टन में, कि 50,000 प्लस लोग आए थे जो आज तक अमेरिका में कभी नहीं आए थे। अभी जो उन्होंने बताया, मानिए मेरे परिचय में, मैं अपने बारे में चर्चा कभी बहुत कम करता हूं, कि मुझे परसों जो ए पॉलिटिकल बॉडी है उसने दुनिया के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों में रखा है फॉर द वे वी हैव अशर्ड इन ई गवर्नेंस इन इंडिया, डिजिटल गवर्नेंस। तो ये हमारी उपलब्धि नहीं है, हमारे नेता मोदी जी के काम की उपलब्धि है। तो पूरी दुनिया उसका सम्मान कर रही है, आप देख रहे हैं। इंडिया इज ऑल्सो इमर्जिंग एज ए बिग पावर, इकोनॉमिक, पोलिटिकल एंड स्टेबल पोलिटिकल पावर। तो जब आपका देश इस तरह से डेवलप करता है और जब आपके नेता ऐसे होते हैं जिनको जनता दो बार इलेक्ट करती है, तो आपका इंपैक्ट होता है। और एक बात मैं यहाँ अपने पत्रकार मित्रों को बड़े विनम्रता से कहना चाहूँगा, देश में दर्जनों प्रधानमंत्री हुए लेकिन सिर्फ 4 प्रधानमंत्री को देश की जनता ने अपने से चुना है। एक थे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, दूसरी इंदिरा गांधी, तीसरे अटल बिहारी वाजपेयी और चौथे नरेंद्र मोदी। मैं जानकर राजीव गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनको बहुत बहुमत मिला था, लेकिन अपनी स्वर्गीय माता जी के दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के कारण मिला था सहानुभूति। व्हेन यू हैव ए लीडर ऑफ इंडिया लाइक नरेंद्र मोदी जी, हु इज हैविंग सच ए मैसिव पॉपुलर मैंडेट, गुड गवर्नेंस, ऑनेस्टी इन द वर्ल्ड लिसन्स टू यू, ये स्थिति। अब निकलकर आया तो आप विदेश विभाग के प्रवक्ता आपको विस्तार से बताएंगे, उसकी प्रतीक्षा करिए। थैंक यू, थैंक्स, आभार है। आपके माध्यम से महाराष्ट्र की जनता तक अच्छे विचार अपन पहुंचवाल, ऐसे मला अपेक्षा है। चलो ठीक है, धन्यवाद साहब, ये आपका ही है। आज तो अर्थशास्त्र पर एक सवाल हो गए, बहुत बढ़िया हो गया है, बढ़िया, कोई सवाल ही नहीं आया। आप प्रेस को दीजिए वहां जाके, मैं पत्रकार से थोड़ा मिलूं।